विवादों में रहे बेंगाबासी कृष्ण कुमार मरंडी से फिर हुई मारपीट। मामला बेंगाबाद के महुआर गांव का है। बताया जाता है कोरोना वैक्सीनेशन को प्रेरित करने को लेकर डोर टू डोर अभियान में पहुंचे रामचंद्र ठाकुर के घर पर, जहां कोरोना का टीका लेने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इसी दौरान रामचंद्र ठाकुर ने आवेश में आकर सीओ पर ताबड़तोड़ जानलेवा हमला बोल दिया, जिससे सीओ के हाथ टूट गए हैं, वहीं गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर आनंद फानंद में से गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सीओ को हाथ में फ्रैक्चर, बैंडेज, इलाज वगैरह किया गया। इधर सीओ ने कहा कि हमारे साथ मारपीट की गई, इस मामले को लेकर बेंगाबाद थाने में आवेदन दे दिया है। इधर थाना प्रभारी कमलेश पासवान ने कहा कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। तो अभी सर आवेदन बेंगाबाद थाना में दिया गया है, परिवहन पदाधिकारियों को आपने सूचना किया है? आवेदन तैयार हो रहा है कार्रवाई के लिए, अपना व्यथा तो हम थाना को लिख के देंगे, अब आगे कार्रवाई होगी नहीं होगी वो थाना पर निर्भर है। सर इसके पहले भी कोई विवाद था सर आपके साथ? नहीं कोई विवाद नहीं, अरे पब्लिक मेरा है, अंचल का जितना भी रैयत है वो तो मेरा अपना अपना रैयत है ना, तो मेरा विवाद किसके साथ रहे, किसी के साथ नहीं विवाद। हम तो यहाँ तो पदाधिकारी हैं, सबके हैं, कोई हमारा कोई परिवार नहीं ना है कि हम पारिवारिक विवाद रहेगा मेरा। एक व्यक्ति ने आपके साथ मारपीट की? एक व्यक्ति नहीं, वो जो उनके परिवार का था ना रामचंद्र ठाकुर और उनके भाई लोग थे। पुलिसकर्मी के साथ तो हम लोग गए ही नहीं थे, पुलिसकर्मी के साथ नहीं गए थे, और ये नहीं हम लोग को ये पता था कि ये ऐसा कभी नहीं हुआ। जब जब हम लोग ऐसा COVID-19 के लिए लोगों को प्रेरित करते जा रहे थे तो कहीं ऐसा दुर्घटना नहीं हुआ, इसलिए हम लोग हम अकेले निकले थे। अच्छा ठीक है, किसने ये किया है कुछ बताएंगे इसको? आज बेंगाबाद प्रखंड के अंतर्गत महुआर पंचायत सचिवालय में वैक्सीनेशन का कैंप था, तो निरीक्षण में हम गए थे महुआर पंचायत के पंचायत सचिवालय भवन में। उसके बाद हम लोग वहाँ से लोगों को प्रेरित करने के लिए डोर टू डोर जा रहे थे, तो उसी दरमियान में पता चला कि रामचंद्र ठाकुर और उनके परिवार के लोग वैक्सीन लेने से इनकार कर रहे हैं, तो साथ में हम लोग चले स्वास्थ्य कर्मी के साथ। वहीं उनको ऐसा समझाया गया कि आप और अपने परिवार के सदस्यों को वैक्सीन लेने के लिए आप स्वयं प्रेरित करें, पहले आप लीजिएगा तब आपके परिवार के बच्चे लेंगे, परिवार के 18 साल और उससे उम्र के लोग लेंगे। तो उन्होंने लेने से इनकार किया, साथ साथ आसपास के लोगों को भी ऐसा वैक्सीन नहीं लेने के लिए प्रेरित करने लगे। उसी दरमियान ऐसा कुछ कहा सुनी हो गई, तो हम लोग का वो ऐसा ये नियत नहीं था, हम लोग तो चूंकि लोगों को टीका लेने के लिए प्रेरित करते हैं, वो तुरंत दौड़ के गए अपना घर और वहां से करीब करीब 3 फीट का एक पाइप जो रड टाइप का होता है वो लेके आया और हम पर ऐसा वार कर दिया, जिससे जी अंचलाधिकारी के साथ मारपीट हुई। सर आवेदन भी प्राप्त हुए क्या? अभी आप लोग के समक्ष अंचलाधिकारी श्री कृष्ण कुमार मरांडी के जो जी के साथ असामाजिक रामचंद्र ठाकुर एवं उनके द्वारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दौरान जो है अभद्र व्यवहार किया गया, साथ में मारपीट की, जिनसे इनका बायां पैर हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया है, इलाज कराया गया है। सूचना प्राप्त होने पर BDO साहब के साथ पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे, इसमें से राम लक्ष्मण ठाकुर को गिरफ्तार तरीके से किया गया है। जो प्रमुख एक्यूज हैं रामचंद्र ठाकुर, उसके गिरफ्तारी के लिए सतत प्रयास की जा रही है। जी हाँ, अभी हम लोग को डायरेक्शन मिला हुआ है कि 15 जनवरी तक पहला डोज का टीका सबको दिलाना है, उसी निर्देश आदेश का पालन करने के आलोक में मैं जो BDO CEO साहब और हमारे जो पर्यवेक्षक हैं डॉक्टर साहब, जहाँ जहाँ 20 केंद्र पर हम लोग लगा रहे हैं और घर घर जाकर के हम लोग
लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग जो है कोरोना का पहला टीका लीजिए, ये आपके स्वास्थ्य के हित में है। उसी क्रम में आज सीओ साहब के साथ जो अप्रिय घटना घटी, जो काफ़ी दुखद है, फिर भी हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग पहला डोज अपना ले लीजिए और अपने जीवन को सुरक्षित रखिए। आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोग अपील करेंगे, आप लोग भी जो है लोग पहला डोज जल्दी से लें, इसको प्रमुखता से आप लोग छापिए। तो महुआ पंचायत जो साहब के साथ मारपीट हुआ, क्या मामला है, आप वहाँ पे मौजूद थे? मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद सिंह है। हम वहाँ से घर से चल करके पंचायत भवन आए, पंचायत भवन में एनएम के साथ मैंने हम यहाँ से निकले, तब तक एनएम एक दूसरे यहाँ चली गई, बोली कि रामचंद्र ठाकुर के यहाँ चार सदस्य है जो टीका नहीं लिया है और इसी के लिए हमको बोले कि चलिए थोड़ा सा उनको समझाइए। हम बोले कि ठीक है, हम निकल रहे हैं, वहाँ जाके उनको समझाते हैं। तब तक एक दूसरे दरवाजे से ये लोग जैसे टीका दे करके और वहाँ पहुँचे, इसी बीच में सीओ साहब भी आ गए और हम जा करके उसको समझाए, रामचंद्र ठाकुर को समझाए कि रामचंद्र जी आपके लिए हम लोग डोर टू डोर घूम रहे हैं आपके परिवार में और आप ही टीकाकरण नहीं लिए हैं, टीका नहीं लिए हैं और ये सरकार का लक्ष्य है पूर्ण रूप से टीकाकरण हम लोगों को कराना है। तो बोले कि नहीं, किसी भी हालत में हम टीका नहीं लेंगे, टीका हम नहीं लेंगे, चाहे हमको जो भी करना पड़े हम टीका नहीं लेंगे। तो हम बोले उनको कि ऐसा क्या आप सोच रहे हैं, क्या आपको डर लग रहा है, टीका लेने से आपकी सुरक्षा होगा, ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए, घर के परिवार को भी टीका लगवाइए। लेकिन वो बोले कि हम नहीं लेंगे और इसी बीच में बोले कि आपके परिवार लेंगे कि नहीं, बोले ठीक है परिवार सब अगर लेंगे तो उनको हम पूछते हैं। और इसी बीच में सीओ साहब आ गए, सीओ साहब आने के बाद बीच में फिर जैसे एक दो आदमी आया उसको टीका हुआ और आने के बाद जब वो कुछ पूजा वूजा किए इसके बाद निकले तो सीओ साहब उनसे बात किए कि आपके परिवार में चार सदस्य टीका नहीं लिए हैं, आप भी नहीं लिए हैं, टीका ले लीजिए, ये आपके फायदे का चीज़ है। तो वो आया और मैंने जैसे सीधे सीओ साहब को बोला कि आप हम टीका नहीं लेंगे तो आप क्या कर लीजिएगा, बोले हम क्या कर लेंगे, टीका आपको लेना है, टीका सरकार का चलाया हुआ कार्यक्रम है, अंतिम व्यक्ति तक टीका सबको देना है। तो इसी तरह से तुतु में करते करते वो तुरंत हाथ उठा दिया और सीओ साहब को एक तमाचा लगा दिया और दौड़ करके जब हाथापाई होने लगा तो दौड़ करके घर चला गया और घर से रड निकाला और सीओ साहब को रड से भी एक दो बार मैंने जैसे मार दिया, जिससे उनका हाथ शायद फ्रैक्चर हो गया है, वो इलाज करवा रहे हैं। अभी कहाँ हैं सीओ साहब? अभी तो सीओ साहब यहाँ से निकल गए, फिर उनको हम पकड़ लिए कि हो सकता है भाला उला भी निकालेगा, कुछ ही करेगा, इसके बाद कहे सर को कि मेरे साथ प्रशासन नहीं है इसलिए सर हम लोग यहाँ से अभी चलें, यहाँ से हट जाना चाहिए हम लोगों को, चूँकि ये दूसरे ढंग का व्यक्ति है, ये जान से मारने का भी मैंने जैसे प्रयास कर रहा है, रड निकाल रहा है, ये मार भी सकता है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि प्रशासन इसको पकड़े और इस तरह से अगर इस पंचायत के हम पंचायत सचिव हैं, हमको घर से घर सब घर में जाना पड़ता है, अगर इस तरह का रहा तो हम कैसे विकास का कार्य कर सकेंगे। प्रशासन से हम यही निवेदन करते हैं कि इस तरह के व्यक्ति को पकड़ करके और हिरासत में लिया जाए। डोर जा रहे थे घर 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 जाके, तो दो तीन वैक्सीन तो हम लोग रास्ते में दिए, उसके बाद हम लोग वहाँ पे जाने लगे, गए तब तक सीओ साहब वहीं पे थे, उसके बाद हम लोग वहाँ रुके, सर उनसे पूछने लगे कि आप वैक्सीन क्यों नहीं ले रहे, तो बोला हम नहीं लेंगे, तुम कौन होता है बोलने वाला, उल्टा सीधा उनके साथ व्यवहार होने लगा, उसके बाद गाली गलौज भी हुआ सर के साथ। तो सर बोले ठीक है आप नहीं लीजिएगा दिन का, मतलब इसी तरह से। तो फिर वो रामचंद्र ठाकुर जो थे तो सर पे हाथ छोड़ दिए, दो तीन जहाँ मतलब हाथ से मारे, उसके बाद धक्का धुक्की करते हुए थोड़ा दूर तक ले गए धकेल के, फिर एनम दी कुछ दूर तक उन लोग को छोड़ाए, उसके बाद दौड़ के वो अपना घर गया और इतना मोटा एक तो रट लाया और रट से सर के हाथ में दो तीन बार मारा। सर अगर हाथ से ऐसे नहीं रोकते तो लगता है माथा उथा फट जाता सर का। उसके बाद सर को बोले सर आप यहाँ से निकलिए नहीं तो फिर और पता नहीं क्या होगा। सर इस तरह से अगर रहा तो सही बात है, हम लोग कैसे काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, विडम्बना है कि जी अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे BNB से और देखते रहे कब कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।